We are living in an era of uncertainty and fear. Words like virus, pandemic, lockdown are echoing everywhere. Is beyakini aur dar ki fiza mein jab khauf sada kar dene wale alfaz ki har taraf goonj hai, we need to take care of our mental health. In a world where every one in four individual suffers from some neurological or mental issue at any stage of life, इस दुनिया में जब हर चार में से एक फर्द को जिंदगी के किसी मोड़ में किसी नफसियाती मर्ज का सामना करना पड़ता है, हमें अपनी और सारे लोगों की नफसियाती और जहनी कैफियत का खास ख्याल रखना होगा. सोशल डिस्टेंसिंग, नॉट सोशल आइसोलेशन. मुआशरती मेल जोल में एहतियात तो करनी है कि कोविड 19 में यानी कोरोना वायरस में कम्युनिटी स्प्रेड बहुत तेज होता है. But to kill the boredom and monotony, we need to take some healthy steps. ये जो घर में रहकर चिड़चिड़ापन, बोरियत और गुस्सा सा चढ़ जाता है, इसको खत्म करने के लिए हमें कुछ इकदाम करने होंगे. हम इसको दूर कर सकते हैं. We can do it. कैसे? आइए सीख लेते हैं. नमाज पढ़िए. हर मुश्किल और आजमाइश के वक्त नमाज से रुजू करने का हुक्म दिया गया. मौला से अपने मिलता है बंदा नमाज में, बंदा नमाज में. निगरानी शूरा कितनी प्यारी बात इरशाद फरमाते हैं कि एक बला से बचते हुए कहीं दूसरी बला में यानी गुनाहों की बला में हम कहीं गिरफ्तार ना हो जाएं. तस्बीहात कीजिए और आदो वज़ाइफ पढ़िए और सबसे बढ़कर दुआएं कीजिए. स्टडी, मुतालिया बहुत ही अहम है. रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग खूब खूब पढ़ें. लिमिट कंजम्पशन ऑफ स्ट्रेसफुल न्यूज एंड सोशल मीडिया. ये जो टेंशन देने वाली और खौफ सदा कर देने वाली खबरें होती हैं, उनसे बचिए. अपने बच्चों पर तवज्जो दीजिए, उनके काम को देखिए, उनके साथ एक्टिविटीज में हिस्सा लीजिए, मुस्कुराइए. एक्सरसाइज कीजिए, वॉकिंग कीजिए. अगर बाहर नहीं जा सकते तो घर के अंदर ही कोई टाइम फिक्स करके खूब वॉक कीजिए. दिन में ब्रिस्क वॉकिंग करना बहुत जरूरी है. सेडेंटरी लाइफस्टाइल यानी लेटे रहना या बैठे रहना, ये हाईली नॉन रिकमेंडेड है. ईट हेल्दी फूड. घर में फारिग बैठे हैं, ऑनलाइन ऑर्डर दिया, पिज्जा भी आ रहा है, बर्गर भी आ रहा है, यूं तहें चढ़ती चली जाएंगी तो ऐसा ना हो कि ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल और कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस के हम मरीज बन जाएं. खूब खूब एहतियात कीजिए, खाने का टाइम फिक्स कर लीजिए और उसके अलावा बिल्कुल ना खाना खाइए. और खूब खूब मदनी चैनल देखिए. क्रेडिबल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के लिए मकतबतुल मदीना की कुतुब का मुतालिया कीजिए. याद रखिए, अगर खेत में बीज ना डाला जाए तो गंदी जड़ी बूटियां घास फूस उगाती है. इसी तरह दिमाग को अगर कोई अच्छा करने के लिए ना दिया जाए तो दिमाग में भी शैतानी वसवसे और बुरे ख्यालात आ जाते हैं. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए घर में हम सब रहते हैं, तबीयतें मुख्तलिफ होती हैं, मिजाज में भी फर्क होता है, लेकिन वो गूंद, वो ग्लू जो हम सबको आपस में जोड़े रखती है, वो है सब्र, शुक्र, कंप्रोमाइज और बर्दाश्त की. घर वालों पे तो बोझ बढ़ गया ना, सफाई, सुथराई, दीगर मामलात, और अब जब सब घर पे हैं तो टेंशन भी बढ़ जाती है. तीन बातों को पल्ले से बांध दीजिए, इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल लाइफ बिल्कुल स्ट्रीमलाइन हो जाएगी. नंबर एक, खामोशी. नंबर दो, मुस्कुराहट. मुस्कुराते रहिए, माहौल डिफ्यूज हो जाएगा, हार्ड नहीं बल्कि सॉफ्ट होता चला जाएगा. और नंबर थ्री, एक मैजिकल सेंटेंस जो तमाम झगड़ों को हल कर देता है, वो क्या है? अपनी गलती मानते हुए आई एम सॉरी ये कह दे. और फिर एप्रिसिएशन करते रहें, हौसला अफजाई करते रहें, एक दूसरे की तारीफ करते रहें, तो इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल दिलों में कदूरते नहीं आएंगी. और एक जुमला हमेशा याद रखिएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल. प्यारे आका अली सातो सलाम के सदके, बुजुर्गाने दीन, औलिया अल्लाह की दुआओं के तुफैल ये बला भी टल ही जाएगी, लेकिन हमें मजबूत रहना है और इस मुश्किल का डटकर मुकाबला करना है. क्योंकि जब तूफान आता है सारे परिंदे छुप जाते हैं, लेकिन उकाब, शाहीन और चील वो उस तूफान की तेज हवाओं की मदद से
اور اونچی پرواز کرتا ہے. یعنی یہ مشکلات ہمارا ٹیسٹ ہوتی ہیں. اللہ عز و جل ہمیں اس مشکل مرحلے میں ثابت قدم رہنے اور اپنا شکر ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے.